स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बांदा पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर संघन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने व 15 अगस्त को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर बांदा पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई व सामान की तलाशी भी ली गई। 14 व 15 तारीख को सभी सार्वजनिक स्थलों व धार्मिक स्थलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उच्च अधिकारियों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लोगों को सुरक्षा का एहसास हो और लोग भयमुक्त वातावरण में रहें, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। संवाददाता बांदा वर्षा गुप्ता। घंटे से ऊपर का मामला है और लगभग इसमें समस्त कार्रवाई हो गई है। इसमें मुकदमा लिखा गया है, इसमें दो पक्षों में कहासुनी, मारपीट इत्यादि की घटना किसी बात को लेके हो रही थी। आपसी इनका पट्टीदारी की रंजिश का मामला था और अचानक इनमें विवाद बढ़ा और एक पक्ष ने दूसरे पे कट्टे से फायर किया और इस मामले में पुलिस ने तत्काल पहुंच करके कार्रवाई की, मुकदमा लिखा, दो लोग इसमें गिरफ्तार कर दिए, न्यायालय के समक्ष भेजे भी जा चुके हैं और शेष विवेचना की कार्रवाई चल रही है और इसमें जितने भी लोग दोषी होंगे हम लोग सब देखते हुए हम लोग जो है एक सुरक्षात्मक चेकिंग थी जिसमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटल सराय ढाबा आदि की चेकिंग की गई, जिसमें फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और LIU की टीम और 6 थाना प्रभारी और 3 क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में बनी थी और सघन चेकिंग कराई गई और होटल्स में जो रुके हैं लोग उनकी IT को चेक किया गया और भौतिक रूप से सत्यापित किया गया। क्या स्टेशन से एक संदिग्ध टाइप का लड़का पकड़ा गया? क्या है वो? स्टेशन के बाहर एक लड़का मिला है जिसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभी उससे पूछताछ की जा रही है, वो रहने वाला यही लोकल ही है और अभी और चीज़ें तथ्य जुटाए जा रहे हैं कहाँ से आ रहा था, उसको अभी हम लोग अरेस्ट किए। होटलों में चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध आदमी? अभी तक तो कुछ संदिग्ध ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है, अभी चेकिंग चल रही है।